आज की रेसिपी शेयर करेंगे बैंगन का भरता। और हम बनाएंगे बैंगन का भरता जो कि देसी बैंगन है उससे बनाएंगे, जो वाइट वाला बैंगन होता और जो ब्लैक ब्लैक बैंगन होता उससे अच्छा होता और उससे टेस्टी लगता है इसका भरता, और काफ़ी मज़ा आता खाने में। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करना इस बैंगन का भरता। और ये इसको सेकने के बाद में मक्खन की तरह हो जाता है, बिल्कुल बैंगन सॉफ्ट, और वो वाला बैंगन हार्ड होता है, ब्लैक वाला। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम छेद कर लेंगे और हींग डालेंगे इसके अंदर, तो डंठल तोड़ देते हैं तो आपका बैंगन बहुत अच्छे से पक जाएगा। आप गैस में पकाएं, कंडे पे पकाएं, या आप माइक्रो ओवन पे पकाएं, जिसमें आप पकाना चाहें उस पर पका लें। और इसको बाटी ओवन में बहुत अच्छा पक जाता है ये बैंगन, तो बाटी ओवन में ट्राई कर सकते हैं आप। और इसमें छेद कर लेंगे हम, हींग डाल देंगे। हींग डालने से क्या होता है, किसके बैगन के अंदर जो बीज होता है इसका वादी करता है। तो आप लोग जब भी बैगन का भरता बनाएं तो कोशिश करेंगे बीज ज़्यादा से ज़्यादा इसका हटा दें। और इस हमने नाइफ से हो कर लिया लंबा लंबे होल, और इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। हींग डालने से क्या होता है कि इसकी वादी ख़त्म हो जाती है। हींग इस तरीके इसके अंदर हम स्टार्ट भर देंगे तो हमारी जो कि हींग से वादी मारता है, हींग वादी बिल्कुल ख़त्म कर देते, जो बीज होता उसका तत् खत्म हो जाता है। तो हींग भरने से अंदर बादी नहीं होता बैगन में, जिसको बैगन खाने से सूजन आ जाती है बादी के कारण, तो वो हींग डालने से नहीं होती है। और इसका हमने बैगन टमाटो का भरता बनाएंगे। तो हमने ये ले देखिए हमारे सिक गए, हमने सेके हैं तंदूर में। आप लोग ये ले देखिए हमारे सिक गए, हमने सेके हैं तंदूर में। आप लोग किसी में भी सेंक सकते हैं, जिसमें आप चाहें उसमें सेंक लें। और ये हमारे रेडी, और ये हमारे धनिया, और ये फूल वाली धनिया जो फल है धनिया के, इसको चॉप करके डालना, खाने में मज़ा आ जाएगा। ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और ऑनियन, आप लोग चाहो तो ऑनियन डालिए, नहीं चाहो तो मत डालिए। और हमने ग्रीन चिल्ली सेंकी हुई है तंदूर में, वो चॉप कर ली है, बहुत मज़ा आता है। ये देसी धनिया है, ये देखिए इस तरीके से बैगन हमारा सिक जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे हम ये, और ये करीब हमारा 1.5 किलो के आसपास भरता बन जाएगा। बैगन ही बहुत बड़ा था। अच्छे से मैश करना है, मैश कर लिया मैंने। इसमें हमने टमाटो डाले, ये टमाटो को भी हमने सेंक लिया था, ये देखिए जरूरत नहीं पड़ती टमाटो डालने से। ये वाटर वाला है, पानी वाला बैगन भरता बहुत ही बढ़िया बनता है ये। आप छौंक लगा के बनाते उससे बहुत टेस्टी बनता है ऐसे, तो और मज़ा आ जाता है। और ये ग्रीन चिल्ली डाली 1 टीस्पून, और आप लोग स्पाइसी जाते खाते हैं तो ज़्यादा डाल लेना। और हम 5 टेबल स्पून ऑनियन, क्योंकि हमने 2 ऑनियन ली थी करीब 50-50 ग्राम की, दोनों चॉप कर दी थी फाइन चॉप, और दोनों ऑनियन हमने इसमें डाल दी बैगन भरता में। कोरिएंडर आप जितनी खाते हैं उतनी डाल दिए, हमें अच्छे लगते हैं हरा धनिया तो हमने डाला। और रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर, नमक 1 टीस्पून, स्वाद अनुसार डाल लें, हल्का सा चाट मसाला अगर डालना चाहें आप, तो नहीं डालना चाहें तो नींबू डाल लीजिए। और ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लेमन भी डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे, और हमारे बैगन का भरता रेडी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बैगन का भरता। ये देखिए फूल वाला, और इसको हम चॉप करके डाल देंगे, या आप बेलन से इसको बेलन घुमा दें इसके ऊपर तो फूट जाएगा, तो डाल दीजिए। जो धनिया के फूल हैं खाने में बहुत मज़ा आता है, फल छोटे छोटे, बहुत ही मज़ा आता है उसको खाने में।
स्पेशली मैं गांव से लेके आया था बैगन और ये धनिया कोरिएंडर, ये हमारा है। थोड़ा सा हमने पानी डाला, अगर आप लोगों को डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो आप सूखा बनाइए। हमें वाटर पानी वाला अच्छा लगता है, थोड़ा सा पतला भरता खाने में, इसलिए हमने डाला। और आपको डालना है तो डाल लेना, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। और आप इस तरीके से सिंपल सूखा बना सकते हैं, हमें हल्का सा पानी वाला अच्छा लगता खाने में, इसलिए हमने पानी डाला। और एक थोड़ा सा लेमन, हमारा इस तरीके से हम बैंगन का भरता रेडी कर लेंगे। और ये हमारा बैंगन का भरता रेडी। चलिए थोड़ी सी गार्निशिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए हम गार्निशिंग कर लेंगे। वाह कितना सुंदर दिख रहा है हमारा बैगन का भरता, इच्छा हो रही है अभी खा लूँ। और एक धनिया का पत्ता लगाया हमने, पूरा पेड़ ही लगा दिया। और ये फल धनिया के, वाह इसको खाने तो बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और हमारे दूसरे चैनल की लिंक दे देंगे जो समर्थ के नाम से है, वो जाकर चेक कर लीजिएगा, उस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मैं डालता हूँ। और आप लोगों को लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और हमने एक पंजाबी ग्रेवी बनाई है, ज़रूर जाके देखना, उसकी भी लिंक दे दूंगा, काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है।